नए साल के पहले सप्ताह में ही राज्य भर में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। तेज हवाओं के कारण तापमान धीरे धीरे गिर रहा है और लोग ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं पश्चिम बर्धमान जिले में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुँच गया है। राज्य भर में नए साल के पहले सप्ताह में ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तेज हवाओं के कारण तापमान धीरे धीरे गिर रहा है और लोग ठंड से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रहा। कोलकाता ही नहीं, पूरे राज्य में पारा गिरा है। पश्चिम बर्धमान जिले में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे लुढ़क गया। दिन भर तेज गति से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण लोगों का घर से बाहर निकल पाना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है और उन्हें सुबह सुबह स्कूल जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। आसनसोल से लेकर दुर्गापुर, रानीगंज, जामुड़िया समेत जिले भर में कड़ाके की ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। उत्तर बंगाल के जिलों के अलावा पुरुलिया, बर्धमान सहित विभिन्न जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। पुरुलिया और बर्धमान में गुरुवार को न्यूनतम तापमान क्रमशः 9.8 डिग्री सेल्सियस और 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बांकुड़ा और बहरमपुर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान क्रमशः 11.3 डिग्री सेल्सियस और 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पानागढ़ और शांति निकेतन का न्यूनतम तापमान क्रमशः 10.6 डिग्री और 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मोहन दि फैमिली स्टोर। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই মায়ের আগমনী। পুজোর কেনাকাটা মানেই মোহন। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, আসানসোল, রানীগঞ্জ। দুর্গাপূজা হো ইয়া দীপাবলি ইয়া হো কোই ভি উৎসব, কপড়ো কি খরিদারি কে লিয়ে আপকি পহলি পসন্দ मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज।